और गाइस क्या हाल है। गाइस मेरा नाम है हर्षित, आप देख रहे हैं टेक्टोनिक्स और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार चीज़ के ऊपर। अगर आपको एक नया फ़ोन लेना है तो ये अभी एक सबसे सही टाइम है नया फ़ोन लेने का, क्योंकि फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डेज आने ही वाला है। वहाँ पर आपको मिल जाएंगे ढेर सारे फोन्स बहुत ही कमाल प्राइस में और उसके साथ ढेर सारे ऑफर्स। बिग बिलियन डेज की सबसे खास बात यह है कि आपको एक प्रोडक्ट पे कई सारे मल्टीपल ऑफर्स देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें आप अगर एक साथ मिला लोगे तो आपको एक बहुत ही अच्छा फ़ोन मिल सकता है एक बहुत ही अच्छे प्राइस में। मैं आज बात करूंगा बहुत ही कमाल फोन्स के बारे में जो कि आएंगे बहुत ही कमाल प्राइस के साथ, वो भी बहुत ही कमाल लोगों के लिए जो कि है आप जो भी वीडियो देख रहे हैं। अब ये वीडियो फ्लिपकार्ट के ऊपर क्यों है? गाइस ऐसा है कि फ्लिपकार्ट को जो प्रोडक्ट लाइनअप है वो बहुत ज़्यादा वाइड है, शायद आपको भी पता होगा। मतलब ना यहाँ पर आपको इतने सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे हर रेंज में, आप कोई सी भी रेंज वहाँ पर फिल्टर अगर करते हो तो उस रेंज में आपको बेस्ट से भी बेस्ट प्रोडक्ट आपको फ्लिपकार्ट दिखाएगा। और शायद यही रीज़न है कि बहुत सारी ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स एक्सक्लूसिवली फ्लिपकार्ट पे ही लॉन्च करती है, ऐसे में ब्रांड्स का भी काफ़ी फ़ायदा हो जाता है और फ्लिपकार्ट तो फ़ायदा में है ही। अगर पर्टिकुलरली हम फोन्स की बात करें तो बहुत सारी ब्रांड जैसे एसूस हो गया, पोको, पिक्सल, आईबूमी वगैरह वगैरह, ये सारे अपनी फ़ोन्स वगैरह ना एक्सक्लूसिवली फ्लिपकार्ट पे लॉन्च करते हैं। एक्सक्लूसिवली का मतलब ये है कि ये फ़ोन सिर्फ और सिर्फ फ्लिपकार्ट पे आपको मिलेंगे और ऐसे में चांसेस ये हैं कि आपको आपका फेवरेट मोबाइल या फिर कोई और फेवरेट प्रोडक्ट बहुत ही अच्छी प्राइस रेंज में यहाँ पर अभी मिल सकता है फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे सेल में। काफ़ी सारी सर्चिंग के बाद मैंने यहाँ पर पता लगाया कि आपको यहाँ पर बहुत ही कमाल फ़ोन बहुत ही कमाल प्राइस में मिल जाएंगे फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे सेल में। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो थोड़े बहुत फ़ोन्स ये हैं, नोकिया 5.1 प्लस, नोकिया 6.1 प्लस, पोको F1, रियलमी 2, रियलमी 2 प्रो, ऑनर 7S, ऑनर 9N, रेडमी 6, इन्फिनिक्स नोट 5, इन्फिनिक्स स्मार्ट 2। तो देख लो गाइस, मैंने कहा ना प्रोडक्ट का लाइनअप यहाँ पर बहुत बड़ा है, मतलब बहुत ज़्यादा आपके पास चॉइसेस है, हर प्राइस रेंज में आपको बहुत अच्छी चॉइस मिल जाएगी। इन सभी फ़ोन्स और इसके प्राइसेस वगैरह के बारे में डिटेल में ज़रूर बात करेंगे अभी, लेकिन मैं पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको ये जो मैंने बात करी ये तो थे मिड रेंज के फ़ोन या फिर बहुत ही मतलब कम प्राइस वाले। यहाँ पर आपको फ्लैगशिप फ़ोन्स भी आपको अवेलेबल कराए जाएंगे फ्लिपकार्ट की तरफ से बहुत ही अच्छे डिस्काउंट में, बहुत ही अच्छे प्राइस के साथ। फ्लैगशिप फ़ोन जो कि किसी भी कंपनी का सबसे अच्छा सबसे टॉप नॉच वाला फ़ोन होता है वो भी आपको बहुत ही कमाल प्राइस में मिल जाएगा, जहाँ पर आपको मिल जाता है स्नैपड्रैगन 845 या फिर उसके आसपास का कोई भी चिपसेट, बहुत बड़ी सी रैम, बहुत बड़ी सी स्टोरेज वगैरह वगैरह। फ्लैगशिप कैटेगरी में भी आपको बहुत ही कमाल फोन्स मिल जाएंगे जैसे कि पोको F1 हो गया, एसूस ZenFone 5G हो गया, ऑनर 10 हो गया और यहाँ तक कि LG का G7 प्लस थिन क्यू भी। दोस्तों मज़े की बात यह है कि ये जो फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे सेल है वो पड़ रहा है नवरात्रि में, तो इसी बात पे बोलो जय माता दी। इस वीडियो से आपको बहुत ही अच्छा आइडिया लग जाएगा कि आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए किस प्राइस रेंज में, तो इस वीडियो को यार एंड तक ज़रूर देखना। मैं बहुत सारे फ़ोन्स मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए हैं जो कि आपको बहुत अच्छी प्राइस में फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगे। जो मैं फ़ोन के प्राइसेस आपको बताऊंगा ना जो डिस्काउंट के बाद हैं वो प्राइसेस आपको ऐसे नहीं पता चलेंगे, मैंने वो बहुत ही मुश्किल से कहीं ना कहीं से ढूंढ के निकाले हैं कि कितना कितना डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अगर आप अभी खोल के देखेंगे फ्लिपकार्ट तो वहाँ पर आपको वही प्राइस मिलेगा जो अभी चल रहा है। बिग बिलियन डेज वाली प्राइस आपको बाद नहीं पता चलेगी, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि क्या प्राइस होने वाली है, तो उस वीडियो को ज़रूर से एंड तक देखना है। यहाँ पर हम फोन्स की बात करेंगे, रेंज के हिसाब से सस्ता भी फ़ोन होगा यहाँ पर सबसे महंगा फ़ोन भी होगा। सबसे पहली प्राइस रेंज हमारी यहाँ पर है 7000 या फिर उससे कम के फ़ोन्स, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से तो सबसे अच्छी डील आपको ये रहेगी कि इन्फिनिक्स का स्मार्ट 2 आप परचेस करें। ओरिजिनल प्राइस तो है इसकी 7000 रुपीज़, लेकिन यहाँ पर सेल में आपको इसमें 2000 रुपीज़ ऑफ है, तो ये आपको पड़ जाएगा 4999 यानी कि 5000 रुपीज़ का, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत ही गजब की डील है। यहाँ पर 3GB रैम, 32GB स्टोरेज आपको मिल जाएगी, ऑक्टा कोर प्रोसेसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अभी इस सेल में मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट बाय है। इसी प्राइस रेंज में दूसरे फ़ोन की बात करो तो यहाँ पर है रियलमी का C1 जो कि हाल ही में अभी लॉन्च हुआ है, तो इसका प्राइस है 7000 रुपीज़ और यहाँ पर आपको 2GB रैम, 16GB स्टोरेज मिल जाएगी। और सुनो जो जो यहाँ पर दे दिया है ना रियलमी ने, मतलब क्या क्या दे दिया है इस प्राइस रेंज में। यहाँ पर ड्यूअल कैमरा मिल जाएगा 13+2 मेगापिक्सल का, 4 to 3 GB की बैटरी मिल जाएगी। यार इतनी बड़ी बैटरी 7000 रुपये में तो एक बहुत ही गजब की बात हो जाएगी यहाँ पर, और 7000 रुपये में आपको एक नॉच भी मिल जाएगा यार, मतलब ये सबसे सस्ता फ़ोन है जिसमें आपको एक नॉच मिल रहा है। प्रोसेसर भी ठीक ठाक दे दिया है इन्होंने प्राइस के हिसाब से, क्योंकि जो रियलमी 2 है उसमें भी स्नैपड्रैगन 450 ही है और इसमें भी स्नैपड्रैगन 450 है, तो ये भी एक अच्छी डील हो सकती है। अब बात करते हैं दूसरे प्राइस ब्रैकेट की जो कि है 7000 से लेकर 10000 के बीच में। तो इस प्राइस रेंज के अंदर सबसे अच्छा फ़ोन जो मेरे दिमाग में आता है वो एसूस का ZenFone Max Pro M1। जितना बड़ा इसका नाम है उतने ही अच्छे फीचर्स यहाँ पर दे दिए हैं एसूस ने।
इसमें आपको एक ड्यूअल कैमरा सेटअप मिल जाएगा 13.5 मेगापिक्सल वाला, 3GB रैम होगी, 32GB स्टोरेज होगी। मजे की बात है कि यहाँ पर बैटरी आपको 5000 mAh की मिल जाएगी, जो कि बहुत ही बड़ी बैटरी है इस प्राइस रेंज के अंदर, प्राइस में भी बता रहा हूँ आपको। लेकिन और इसमें स्नैपड्रैगन 636 है, जो कि बहुत कमाल बात है, मतलब 10,000 के अंदर स्नैपड्रैगन 636 मिल रहा है, काफ़ी अच्छी बात है। ओरिजिनल प्राइस है इसका 11,000 रुपीज़, लेकिन आपको फ्लिपकार्ट की सेल में ये मिल जाएगा 10,000 रुपीज़ का, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी डील हो सकती है आप लोगों के लिए। मतलब जो फीचर दे दिए हैं इस प्राइस में वो काफ़ी अच्छे हैं। दूसरा फ़ोन इस रेंज में है ऑनर 7A, जिसका प्राइस है 9,000 रुपीज़, और आपको सेल में यहाँ पर 1,000 रुपीज़ ऑफ मिल जाएगा, तो आपको पड़ जाएगा 8,000 रुपीज़ का। और फीचर इसके काफ़ी अच्छे हैं, मतलब 3+32GB की स्टोरेज आपको मिल जाएगी, और ड्यूअल कैमरा सेटअप तो मिल ही रहा है 13+2 मेगापिक्सल का, काफ़ी अच्छा फ़ोन है, इसे भी आप चाहे तो कंसिडर कर सकते हैं। तीसरा फ़ोन इस प्राइस ब्रैकेट में होगा मेरे हिसाब से Redmi 6, जो कि है काफ़ी एक अच्छा सा फ़ोन। इसका प्राइस है वैसे तो 9,000 रुपये पर, सेल में आपको मिल जाएगा 8,000 रुपये का, फ्लैट 1,000 रुपीज़ ऑफ आपको मिल रहा है, काफ़ी अच्छा फ़ोन है। 3+32GB की स्टोरेज मिल जाएगी आपको, वही डुअल कैमरा सेटअप है 12+5 मेगापिक्सल का, मीराटेक P22 प्रोसेसर है इसमें, जो कि काफ़ी अच्छा है, तो इस प्राइस में आप इसे भी कंसिडर कर सकते हैं। मेरी ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना, लाइक करो ना करो आपके ऊपर, आपको पसंद आएगी तो आप ज़रूर से लाइक कर देंगे, अगर नहीं पसंद आई तो कोई बात नहीं, लेकिन यार सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चौथा फ़ोन इस प्राइस ब्रैकेट में है Realme 2, जो कि आपको मिल जाएगा यहाँ पर 9,000 रुपये का, ये भी काफ़ी अच्छा फ़ोन है। यहाँ पर आपको नॉच वाला डिस्प्ले मिल जाएगा, 3+32GB की स्टोरेज आपको मिल जाएगी, बैटरी भी काफ़ी अच्छी है इस फ़ोन की 4230mAh की, वही ड्यूअल कैमरा सेटअप है, फिंगरप्रिंट सेंसर है, काफ़ी अच्छा फ़ोन है, इसे भी आप कंसीडर कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम तीसरे प्राइस रेंज में, जो कि है 10,000 से 15,000 तक, यहाँ पे भी काफ़ी कमाल फ़ोन आपको देखने को मिल जाएंगे। पहला फ़ोन इस प्राइस ब्रैकेट में है Nokia 5.1 Plus, जो कि अभी रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है, इसमें ज़्यादा डिस्काउंट तो नहीं है, पर ये फ़ोन का ओरिजिनल प्राइस है 10,999 यानी कि 11,000 रुपीज़ का, यहाँ पर 500 रुपीज़ ऑफ है, तो आपको ये 10.5 का पड़ जाएगा, यानी कि 10,500 रुपीज़ का पड़ जाएगा। इस प्राइस रेंज के अंदर एसूस ने फिर से कमाल कर दिया है, जो कि अपना एसूस Zenfone Max Pro M1 है। इस प्राइस रेंज में 4GB रैम 64GB स्टोरेज वाला इन्होंने जो दिया है, उसकी ओरिजिनल प्राइस है यहाँ पर 13,000 रुपीज़, लेकिन आपको 2,000 रुपीज़ यहाँ पे ऑफ मिल जाएगा, तो 11,000 रुपये का पड़ जाएगा आपको फ़ोन, जो कि बहुत ही कमाल की बात है। इसी फ़ोन का 6GB रैम 64GB स्टोरेज वाला वर्जन, यहाँ पर भी आपको 2,000 रुपीज़ ऑफ मिलेंगे, तो जो कि इसका प्राइस ओरिजिनल है 15,000 रुपीज़, वो आपको 2,000 ऑफ मिल जाएगा 13,000 रुपीज़ का, ये भी एक काफ़ी कमाल डील हो जाएगी। और इसी के साथ ये बन जाता है सबसे सस्ता फ़ोन, जहाँ पर आपको 6GB की रैम देखने को मिल जाएगी, तो बोलो राधे राधे। दूसरा फ़ोन इस प्राइस रेंज में है Realme 2 Pro, जो कि एक काफ़ी अच्छा फ़ोन है। यहाँ पर आपको इस फ़ोन की प्राइस मिल जाती है 14,000 रुपीज़, और इसमें कुछ थोड़ा बहुत डिस्काउंट होगा HDFC कार्ड से। Redmi Note 5 Pro, जो अपने ज़माने में बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया था, उस पर भी बताया तो नहीं है अभी क्या डिस्काउंट है, लेकिन कुछ सरप्राइज डिस्काउंट होने वाला है, तो ये भी आपको अच्छी खासी प्राइस की डिस्काउंट में मिल जाएगा, इसे भी आप चेक कर लेना एक बार बिग बिलियन डे सेल पे। अब अगर बात करें हम रिसेंटली लॉन्च फ़ोन्स के बारे में, जो कि हाल ही में बहुत ही अभी रिसेंटली लॉन्च हुए हैं, तो यहाँ पर पहला फ़ोन जो आता है वो है Nokia 6.1 Plus, जो बहुत ही कमाल का फ़ोन है। इसकी जो ओरिजिनल प्राइस है वो है 16,000 रुपीज़ पर, आपको ये सेल में 1,000 ऑफ मिल रहा है, तो ये आपको 15,000 रुपये का पड़ जाएगा, काफ़ी अच्छी डील हो सकती है ये आपके लिए। रिसेंटली लॉन्च दूसरा फ़ोन जो है मेरी नज़र में वो है Moto One Power, ये भी एक काफ़ी अच्छा फ़ोन है, चाहो तो इसे भी आप कंसिडर कर सकते हैं। इसकी प्राइस होने वाली है 16,000 रुपीज़। अब बात करते हैं हम फ्लैगशिप लेवल वाले फ़ोन्स की, तो फ्लैगशिप वाली कैटेगरी में मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट बाय आपके लिए हो सकता है Poco F1, जिसकी प्राइस है 21,000 रुपीज़। इसमें स्नैपड्रैगन 845, 6GB रैम वगैरह वगैरह जो भी है, यही सारी स्पेसिफिकेशंस OnePlus 6 में भी है, और वो 35,000 का ही 21,000 का है, तो यहीं पर आप लगा लो कि 15,000 रुपये आपके बचते हैं। दूसरा फ़ोन इस प्राइस रेंज में है मेरे हिसाब से एसूस का Zenfone 5G। एसूस यार बहुत ही कमाल डिस्काउंट दे रहा है यहाँ पर बिग बिलियन डे सेल में, तो ये काफ़ी अच्छी डील हो सकती है आपके लिए। यहाँ पर 30,000 रुपीज़ का फ़ोन आपको सीधा यहाँ पर 5,000 रुपीज़ ऑफ मिल रहे हैं, तो ये आपको 25,000 का पड़ जाएगा, जो कि है 30,000 रुपीज़ का फ़ोन एसूस Zenfone 5G। थर्ड फ़ोन जो इस प्राइस रेंज में है वो है Samsung Galaxy S8, जो कि 45-50,000 रुपये का फ़ोन है, उस पर आपको बहुत ही भारी डिस्काउंट यहाँ पर मिल रहा है, तो 45-50,000 का फ़ोन आपको पड़ जाएगा सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपीज़ में, तो आपके जो 15-20,000 रुपये सेव है उनका आप क्या करोगे, ये भी आप ही सोचो, काफ़ी अच्छी डील हो सकती है अभी आपके लिए। गाइस ये सब तो हो गई फ़ोन्स की बातें, और अब मैं आपको बताता हूँ कुछ और ऑफर्स जो आपको इन फ़ोन्स के ऊपर मिल जाएंगे। सबसे पहला जो यहाँ पर वो है कंप्लीट फ़ोन प्रोटेक्शन प्लान, इसकी जो ओरिजिनल प्राइस है वो है 2499 रुपीज़, यानी कि 2500 रुपये,
और ये आपको अभी इस सेल में सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ का मिल रहा है, यानी कि 2500 रुपये की चीज़ आपको सिर्फ 100 रुपये में यहाँ पर फ्लिपकार्ट प्रोवाइड करा रहा है अभी, तो आप ज़रूर ले मेरे हिसाब से। तो ये अब इसमें आपको थेफ्ट प्रोटेक्शन भी मिल जाएगी, यहाँ पर ब्रोकन स्क्रीन वगैरह भी मिल जाएगा, वाटर से कोई अगर डैमेज होता है फ़ोन को तो वो भी इसमें कवर किया गया है, और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इश्यूज भी कंपनी आपको रिजॉल्व करके देगी, तो ये काफ़ी अच्छी डील हो सकती है आपके लिए। घर से आपके फ़ोन लेके जाएंगे, सही करके घर पे छोड़ के जाएंगे। तो बस यही थी आज की वीडियो, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार। आप सब्सक्राइब करोगे तब जाके हमारा चैनल आगे बढ़ पाएगा, और हम ऐसे ही कमाल कमाल वीडियोज़ लेके आते रहेंगे। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।